हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल mSolb। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फोर्थ लेक्चर। इस लेक्चर के आज हम डिस्कस करूंगा एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स। देखो, इसमें पहले वाला जो प्रॉब्लम है, ये पी इज टू क्यू इज इक्वल्स टू आर इज टू एस इज इक्वल टू इज टू यू इज इक्वल्स टू टू इज टू थ्री, देन एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी इज टू एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ टी इज इक्वल्स टू दिस। अब इसका वैल्यू कितना होगा देखना। अब देखो, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स ये है, ट्रिक्स अगर देखो कोई भी एक रेशियो, जैसे कि हो गया ए गिवन बी इज इक्वल्स टू बी गिवन सी इज इक्वल्स टू सी गिवन डी, अगर इस तरह कोई भी एक रेशियो होगा तो इस रेशियो का एक चीज़ होता है, इसका जो अपर, इसका अपर, इसका अपर, इस सब का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी प्लस डी, ये पूरा सम का एक इक्वल होता है। तो मतलब क्या हो गया, तो इसका एक रेशियो, ये भी एक रेशियो, इसका भी रेशियो, तो इसका जो डिनोमिनेट न्यूमरेटर है इसका सम डिवाइडेड बाय इसका जो डिनोमिनेटर है इसका साम, इस साम का इक्वल के मतलब इसका जो वैल्यू होगा इस रेशियो का सेम वैल्यू आएगा। तो इसीलिए देखो पहला वाला प्रॉब्लम में है जो पी इज टू क्यू, पी इज टू क्यू यहाँ पे है आर इज टू एस इज इक्वल्स टू टी इज टू यू, तो ये था टू इज टू थ्री। तो इसका पहले ये सारे चीज़ पता होता है, जो पी इज टू क्यू इज इक्वल्स टू अगर टू इज टू थ्री है तो इसको हमने क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, रेशियो में पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री। तो सारे जो रेशियो है इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। देखो, ये हो गया पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा आर बाई एस इज इक्वल्स टू टी बाई यू इज इक्वल्स टू टू बाई थ्री। तो अल्टीमेट यहाँ पे है जो पी बाई क्यूब आर बाई एस टी बाई यू, ये तीनों फ्रैक्शन मतलब तीनों रेशियो का यहाँ पे वैल्यू दिया होगा टू बाई थ्री। तो अल्टीमेट ये सारी चीज़ हम इसको भी कह सकते हैं जो पी प्लस आर प्लस टी इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया क्यू प्लस एस प्लस यू इन तीनों का सम, तो इसका और इसके साथ इक्वल है। तो हमने ये पता चला इन तीनों का सम इस रेशियो के साथ इक्वल है। अब देखो, इसी फ्रैक्शन में सिर्फ एक चीज़ काम करना है, तो अगर देखो यहाँ पे पी बाई क्यूब है, तो जो प्रॉब्लम में था उसमें हमने थोड़ा सा एक मतलब मॉडिफाई करा। देखो पी बाई क्यू, तो यहाँ पे ऊपर भी एम और नीचे भी एम, और इन दोनों को क्या मल्टीप्लाई किया, एम इंटू पी एम इंटू क्यू। अल्टीमेट देखो एम एम कट जाएगा, तो इसमें अल्टीमेट पी बाई क्यू ही रहेगा, तो इसीलिए एम इंटू पी और एम इंटू क्यू गया। और नेक्स्ट इसके साथ क्या एन से मल्टीप्लाई, मतलब एन इंटू आर डिवाइडेड बाई एन इंटू एस इजिकल्स टू टी के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ओ, ओ इंटू टी डिवाइडेड बाई ओ इंटू यू। तो ये सारे तीनों चीज़ अगर मिल जो मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेट देखो जब काट जाएगा तो मतलब मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो अल्टीमेट हम किसी फ्रैक्शन को जो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बाकी इधर उधर कर सकते हैं। तो अब तीनों जो रेशियोज़ है इसको क्या मीनिंग हुआ, इसको होता है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, अब ऊपर तीनों का साम और नीचे हो गया एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। अब ये सारे तीन चीज़ आ गया। अब देखो इस टोटल का जो रेशियो था ये टू बाई थ्री, तो हमें यहाँ पे भी तीन हुआ, तो इसको भी जो साम करके रेशियो ये, तो ये यहाँ का चीज़ हो गया क्या टू बाई थ्री। तो अगर ये सारे चीज़ हो गया टू बाई थ्री, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, ये आ गया इस तो रेशियो यहाँ पे हो गया एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, तो ये हो गया टू इज टू थ्री। तो एक चीज़ ये पता चला, अगर यहाँ पे जिस तरह भी रेशियो रहने दो,
तो इसका जो चीज़ वैल्यू यहाँ पे है टू टू इज टू थ्री, तो इसकी सेम चीज़ अगर मल्टीप्लाई करना और इसको ऐड करके जो रेशियो का वैल्यू निकालना वो सेम रेशियो ही मिलेगा यहाँ पे, तो 2/3, तो इसीलिए 2:3। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम में था p:q r:2 t:2:3, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो इसके साथ पहले m मल्टीप्लाई, इसमें भी m मल्टीप्लाई, यहाँ पे n, यहाँ पे भी n, यहाँ पे o, यहाँ पे भी o, तो इसीलिए क्या होगा इसका तीनों का सम और इसका सम तो इस रेशियो के साथ ही इक्वल होगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 2/3, तो इसीलिए आंसर होगा थर्ड वाला पोर्शन 2:3। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पे a:b=c:d=e:f=1:2, तो इसका मतलब हो गया देखो तीनों रेशियो ये हो गया क्या 1:2। तो अब ये जो चीज़ होगा ये हो गया क्या a/b, ये क्या हो गया c/d, और ये हो गया क्या e/f। अब इसका वैल्यू दिया होगा 1/2, तो आप देखो ऊपर ए सी ई और यहाँ पे भी ए सी और ई, और नीचे है बी डी एफ और इधर भी है बी डी एफ। अब यहाँ पे देखना है इसका फर्स्ट पार्ट के साथ इसका फर्स्ट पार्ट सेम चीज़ मल्टीप्लाई है क्या, तो यहाँ पे भी पी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी पी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, और तीनों के लिए यहाँ पे साम है, इसका भी साम है, तो इसीलिए क्या होगा इसका जो रेशियो है 1:2, तो ये चीज़ क्या होगा इसका भी रेशियो 1:2 ही रहेगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा फोर्थ पार्ट 1:2। तो एक प्रॉब्लम अगर सीख लिया तो इसके लिए कोई भी चीज़ इसमें वैल्यू दे दो, कुछ भी दे दो, तो सारी चीज़ जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो इफ़ a:b=c:d=e:f=1:2, देन 3a:5c:7a:7b:5d:7f, इसका वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पे भी देखना है ये चीज़ क्या है, देखो यहाँ पे भी है रेशियो a/b और यहाँ पे है c/d और यहाँ पे है e/f, तो इस तीनों का यहाँ पे रेशियो है 1/2। अब यहाँ पे देखना है देखो यहाँ पे ए सी, तो पहले ऊपर यहाँ पे क्या होगा ए सी और यहाँ पे है ई, नीचे यहाँ पे देखो बी डी एफ, तो यहाँ पे क्या है बी डी और एफ। अब देखना है इसका जो फास्ट है, इसका जो फास्ट है सेम चीज़ है 3 और यहाँ पे भी 3, तो दोनों का सेम चीज़ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 मल्टीप्लाई, अब लास्ट में क्या है तीनों का ऐड है और यहाँ पे भी तीनों का ऐड है, तो इसीलिए इसका जो रेशियो था 1:2, मतलब 1/2, मतलब 1:2, तो इसीलिए इसका जो वैल्यू आएगा इसका भी आंसर होगा क्या 1:2, तो इसीलिए लास्ट वाला फोर्थ तो जो आंसर होगा ये सही आंसर होगा। तो यही एक ट्रिक्स में था, और इस तरह जो भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि वीडियो अपलोड के तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।